हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज सेल। यू नो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ बाय सेल। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, सब सेल से बने हुए हैं। सबका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है सेल है। सो आई वांट टू से सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ वी डिस्कस डिस्कवरी ऑफ सेल्स। अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक वो डिस्कवर्ड द सेल फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। ही कट अ सेक्शन ऑफ बार्क ऑफ ट्री एंड सी दिस सेक्शन इन हिज माइक्रोस्कोप। ही सीन अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड सेलुला और सेला। इट इज अ लैटिन वर्ड एंड दिस वर्ड मीनिंग इज लिटिल रूम। जैसे ही रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप में बार्क के सेक्शन को देखा, तो उन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। इस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने सेलुला सेला कहा, बाद में इसे सेल कहा जाने लगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स वी कैन डिवाइड सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू पार्ट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। नाउ वी कैन डिफरेंशिएटिव स्टडी अबाउट बोथ सेलुलर स्ट्रक्चर। द फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड द सेकेंड इज मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स सिंगल एंड मल्टी मीन्स मोर देन वन। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म हैज ओनली सिंगल सेल, बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म हैज मोर देन वन सेल और मोर देन टू और मोर सेल्स। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म इन ए सिंगल सेल, बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे शो सेल डिफरेंशिएशन एंड टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन मल्टी सेलुलर सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटी of the organism. I mean to say, अगर organism unicellular है, it means it has only single cell. So, जो भी living activity होगी वो single cell में ही perform होगी. But in case of, if the organism are multicellular, it means it has more than one cells. एंड सेल्स आल्सो मे बी वेरियस टाइप, अलग अलग प्रकार के सेल्स हो सकते हैं, और हर एक सेल का अपना एक यूनिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ अमीबा,
दिस इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, होल लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन सिंगल सेल इन अमीबा. बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग वी आर मल्टी सेलुलर, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. फॉर द एग्जाम्पल, आवर नर्वस सिस्टम हैव न्यूरॉन सेल्स, देयर फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर बॉडी. आवर हार्ट इज मेड अप बाई कार्डियक सेल्स एंड देयर फंक्शन इज कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन. हियर यू सी वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एंड एवरी सेल्स परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन. इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर एंड ऑल लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन सिंगल सेल्स. बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे शो डिवीजन ऑफ लेबर. इट मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन डन इन सिंगल सेल्स, बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स. फर्स्ट इज वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स एंड द सेकेंड इज जर्म सेल्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स. इट मीन्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टू टाइप्स के सेल पाए जाएंगे. फर्स्ट सेल इज सोमैटिक सेल्स विच डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बॉडी. सोमैटिक सेल्स से ऑर्गेनिज्म की बॉडी डेवलप होती है एंड द जर्म सेल इज रिप्रोडक्टिव सेल्स. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन. इट मीन्स इट प्रोड्यूस गैमिट्स. द लाइफ स्पैन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज शॉर्ट. यहाँ पे इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है. बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे हैव लॉन्ग टाइम लाइफ स्पैन. दे सो द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज लॉन्ग. अभी अभी आपने नंबर्स के बेस को सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यू ऑल्सो नो सेल इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. यू कैन नॉट सीन दिस स्ट्रक्चर विद नेकेड आई. यू सी दिस स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. बट इन आवर एनवायरमेंट देर आर सम ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रेजेंट विच इज नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर. वट इज द मीन ऑफ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर? वी डिस्कस नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर. फर्स्टली आई गिव अ एग्जाम्पल नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. दिस इज वायरस. हियर यू सी वाई वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम सेलुलर स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ
यू सी इन दिस डायग्राम, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। इट मे बी DNA और RNA एंड दिस इज कैप्सिड। दिस इज कैप्सिड द आउटर कवरिंग विच इज सराउंडेड जेनेटिक मटेरियल known as capsid. It is made up by protein. तो एक वायरस का स्ट्रक्चर है. This is neck. This is tail. आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे सेंटर में यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है. ये डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए. डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मींस राइबोस न्यूक्लिक एसिड. इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ प्रोटीन की एक कवरिंग पाई जाती है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं. अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता. साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म अगर इसके अंदर प्रेजेंट होता तो ये स्ट्रक्चर सेल कहा जाता, इसे हम सेल बोल सकते थे. बट इन केस ऑफ वायरस देर आर नो कंटेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द कैप्सिड. तो वायरस में हमने क्या देखा, इसके पास केवल जेनेटिक मटेरियल है जो कि प्रोटीन से कवर्ड है, इसीलिए इसको नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है. अगर इसके पास साइटोप्लाज्म होता तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता. सो वायरस इज आल्सो कॉल्ड लिंक विद लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसीलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्शन भी कहा जाता है. Why? Because in environment they behave as a non-living. जब ये environment में होगा तो ये non-living की तरह behave करेगा. But when they enter to organism body and when they come in contact to cytoplasm of the cell, they behave as a living organism. जैसे ही ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है और सेल के साइटोप्लाज्म के संपर्क में आता है तो ये बिहेव करने लगता है लिविंग की तरह, इसीलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्शन कहा जाता है. नाउ वी डिस्कस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. हियर वी नो what is the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. You see in this diagram, this is a bacterial cell, it is prokaryotic. This is blue green alga, it is also called cyanobacteria, it is also prokaryotic. And see in this diagram, this is eukaryotic cells.
Now we discuss what is the difference between prokaryotic and eukaryotic. If the cell is prokaryotic, we draw the structure of prokaryotic cell. Here we draw a cellular structure. Firstly, we understand meaning of prokaryotic. It is made up by two word, pro and karyotic. Pro means primitive. Pro means primitive, and karyotic means carry on. It means nucleus. Primitive nucleus. What is the meaning of primitive nucleus? It is says to in prokaryotic cells, nucleus is absent. What is the meaning of nucleus is absent? It means this is nucleus, and inside this nucleus, genetic material, which is single or double stranded DNA, RNA, or chromatin fibers. What is the meaning of primitive type of nucleus? You see in the diagram, here we draw dotted point. This is cytoplasm of the cell. Cytoplasm. If the cell is prokaryotic, that means nucleus is absent. What is the meaning of nucleus is absent? It means nuclear membrane is absent. This structure is absent, and the genetic material freely survive in the cytoplasm. This genetic material freely survive in the cytoplasm. I mean to say, ये जो genetic material है DNA, RNA, जो भी, तो ये cytoplasm में फ्रीली फाउंड होगा, मतलब इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी. इफ द सेल इज प्रोकैरियोटिक. बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक, यू मींस यू कैरियोटिक, यू मींस गुड और वेल डेवलप्ड. कैरियन मींस न्यूक्लियस. इफ द सेल इज यूकैरियोटिक, it means well developed nucleus is present. I mean to say, nucleus hoga aur nucleus surrounded hoga nuclear membrane ke through. This is the nuclear membrane. Here genetic material not freely found in cytoplasm, matlab genetic material और साइटोप्लाज्म के बीच में एक मेम्ब्रेन होगी. ये जेनेटिक मटेरियल फ्रीली फाउंड नहीं होगा साइटोप्लाज्म में इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. यू मींस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. यू मींस वेल एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस. तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होगा, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. इन प्रोकैरियोटिक सेल
वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स और यू कैन से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म। अगर सेल प्रोकैरियोटिक हुआ तो उस कंडीशन में सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, फॉर द एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, गॉल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, परोक्सीसोम, दीज आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मतलब ये साइटोप्लाज्म है सेल का, यहाँ पे वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल, सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, गॉल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, परोक्सीसोम इत्यादि नामों से जानते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होंगे। होगा क्या, केवल जेनेटिक मटेरियल होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और ये जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में फ्रीली सर्वाइव करेगा। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इन साइटोप्लाज्म वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स मींस माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, परोक्सीसोम, ऑल ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर द गुड एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अभी आपने देखा प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से हैं। प्रोकैरियोटिक सेल फॉर द एग्जांपल बैक्टीरियल सेल एंड साइनोबैक्टीरिया विच आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड द यूकैरियोटिक सेल इज एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इन प्रोकैरियोटिक सेल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस और मियोसिस। वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिजन, यू नो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फॉर द एग्जांपल अमीबा, इन सेल डिवीजन हियर फिजन इज अकर्ड नेम्ड बाइनरी फिजन। इन दिस केस फर्स्टली कैरियोकाइनेसिस अकर्ड एंड देन साइटोकाइनेसिस। मतलब इसमें पहले जेनेटिक मटेरियल टू पार्ट्स में डिवाइड होगा और हर एक पार्ट साइटोप्लाज्म कंटेन करेगा और यहाँ से सेल का डिवाइडेशन हो जाएगा टू पार्ट में। मतलब एक अमीबा से दो डाटर अमीबी जनरेट हो जाएंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन। जेनेटिक मटेरियल टू पार्ट में डिवाइड हुआ और हर एक पार्ट थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म कंटेन करके वापस सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और एक अमीबा से दो डाटर अमीबी बन जाएंगे। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स सेल इन सेल डिवीजन डन बाय माइटोसिस और मियोसिस। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है माइटोसिस एंड मियोसिस, जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। माइटोसिस में क्या होगा, यहाँ पे एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा,
और उसमें ढेर सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। आफ्टर दीज स्टेप्स वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स एंड मियोसिस। वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू फोर डॉटर सेल्स। तो ये सारी चीज़ें आप आगे क्लास इलेवेंथ में पढ़ेंगे। You see in this diagram, both are eukaryotic cell. Both have centered nucleus. Here nucleus is present and here also nucleus is present. But there are many difference between both cells. In plant cell, this is cell membrane it is also cell brain this is cell wall this is vacuole This is also vacuole. This is nucleus. This is also nucleus. Animal cell and plant cell. Now you see in this diagram. In plant cell, the cell membrane covered by another layer known as cell wall. But in case of animal cell, outside of the cell membrane, cell wall is absent. In case of plant cell, The size of vacuole is large and they are less in number. यहाँ पे vacuole की साइज लार्ज होगी लेकिन ये संख्या में कम होंगे if the cell is plant cell. Vacuole का काम स्टोरेज का होता है, यहाँ पे फूड और जो भी एंजाइम्स वगैरह साइटोप्लाज्म में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है ये सारी चीज़ें वैक्यूल में स्टोर होती हैं, स्टोरेज का काम होता है इसका। इन केस ऑफ एनिमल सेल द साइज ऑफ वैक्यूल इज स्मॉलर देन प्लांट सेल एंड दे आर मोर इन नंबर। एनिमल सेल में वैक्यूल की साइज छोटी होगी और ये संख्या में ज़्यादा होंगे। This is the difference between plant cell and animal cell. Okay, thanks for watching. In next video, we discuss structure and part of the cells.